बैडन कोतवाली पुलिस ने एक फर्जी पुलिस अफसर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप सैंडे ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आरोपी आरक्षक से लेकर उच्च पुलिस अधिकारी बनकर दिखाता था, साथ ही खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लोगों से वसूली करता था, लोगों को झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी देता था। बैडन निवासी व्यवसायी राम नरेश शाह ने बैडन कोतवाली थाने में सूचना दी कि कोई फर्जी पुलिस अधिकारी झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहा है, जिसने वर्दी पहनी है, जिसकी नेम प्लेट पर सूरज ध्रुवे लिखा हुआ है और अपने आप को क्राइम ब्रांच का बता रहा है। जिसके बाद कोतवाली प्रभारी ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर हरकत में आई। पुलिस ने बड़गांव रेलवे स्टेशन पर घेराबंदी कर आरोपी भगवान दास शाह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का बैग तलाशने पर पुलिस को कैप, नेम प्लेट एवं वर्दी का अन्य सामान भी जब्त किया गया। अलग अलग नामों से पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को डराता था, आरक्षक से लेकर पुलिस अधीक्षक बनकर देता था धमकी। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।